हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट कोई नहीं है, मेरा पड़ोसी है, उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्या क्या एडवाइस मैंने उसको दिए, काफ़ी परेशान था वो, और आपको ये जानकारी कोई नहीं देगा। यूट्यूब पर तरह तरह के प्रोडक्ट आपको बता दिए जाएंगे, ये खा लो, वो खा लो, ये प्रोडक्ट ले आओ, कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ ना, खूब सारे प्रोडक्ट उसने खा लिए थे बट कुछ नहीं हुआ था। परेशान था, ब्लीडिंग हो रही थी, सूजन थी, तो उसने मेरे को शर्मा रहा था बट उसने बता दिया क्योंकि मैं फ्रेंड था उसका कि ये प्रॉब्लम है। मैंने कि कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, सब आसान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है कि वजह क्या है, कारण क्या है। इसकी वजह गर्मी से होता है ये पाइल्स। तो गर्मी को कम करने के लिए क्या करें, आपको नहीं खाना है, परहेज करना है, बेसन नहीं खाना है, नमकीन जो बेसन के प्रोडक्ट है जो इनसे बनते हैं वो आपको नहीं खाने हैं, तो मतलब नहीं खाने हैं अगर आपको पाइल से बचना है तो। दूसरी ओर आपको सब्जी में जैसे कि बैंगन, आलू नहीं खाने हैं, ये भी गर्मी वाली चीज़ें, इनसे भी पाइल्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसके अलावा ऑयल्स हो गए हमारे, तेल की चीज़ें जो भी गर्मी करती है वो आपको नहीं खाने। फिर देखना क्या आपकी बॉडी को डायरेक्ट कर देगी, अच्छे वाली फीलिंग बना देगी। और इसके बाद जो आपको क्या खाना है, ठंड वाली चीज़ें जैसे कि मैंने एडवाइस किया था उसको, छाछ, दही, घी, ये चीज़ें आपको खानी है। खूब जितना उसके खाओ, फल फ्रूट के जूस ये खाओ आप, जितना उसके दबा के खाओ, बट आप एक गर्मी वाली चीज़ें ना खाओ। ठीक है, आपका पाइल ज़िंदगी में कभी होगा ही नहीं। बेसन आपको नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, जंक फूड वाली चीज़ें नहीं खानी है, ऐसी चीज़ें जो गर्मी करे बिल्कुल भी नहीं खानी है, आपको समझ गए होंगे। जो ठंडी वाली चीज़ें, घी, छाछ, दूध, दही, फल फ्रूट का रस, जितना उसके खाओ, खाने के लिए इतनी चीज़ें बनी हुई है, ये खाओ ना, फिर देखना कमाल है। तो ऐसा कमाल होगा कि और आपसे पूछेंगे कि कैसे ट्रीट किया, क्योंकि आप जो मेडिसिन लेते हो वो टेम्पोरेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देते हैं, फिर वो कोई प्रॉब्लम, वही ब्लीडिंग, वही सूजन। तो आप ये चीज़ करके देखो, आपको 100% आराम रहेगा। क्योंकि कारण यही है, गर्मी चीज़ें, आजकल जंक फूड खाते, तेल खाते, तो प्रॉब्लम तो होगी, ऑब्वियसली बात है, हमारे जो वेंस है वो सब बाहर आने लग जाएगी अंदर से गर्मी के कारण। तो आप जितना हो सके ये चीज़ें यूज करें, ट्राई करके देखें 1-1.5 महीने तक, देखना ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और मैं सिंपल सी प्रैक्टिकली बात करता हूँ आपसे यार, आप समझते नहीं हो, कोई ऐसा नहीं कि 2 दिन में ये बन जाओ, वो बन जाओ, ये ले आओ, ये चीज़ कभी आपको 2 मिनट में ये ठीक कर दे, कुछ नहीं, ये थ्योरेटिकली बात में करता नहीं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि ये करके देखो आप। ये खाना स्टार्ट कर दो, चाय, दही, दूध, जितनी भी ठंडी चीज़ें स्टार्ट कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गर्मी वाली चीज़ों पर क्रॉस लगा दो, क्रॉस मतलब क्रॉस परहेज, ऐसा मान के चलो दुनिया में है नहीं ये चीज़ें, बेसन वाली चीज़ें, आलू वाली चीज़ें, ये है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये करके देखना है और फिर देखना है रिजल्ट अपना क्या फ़र्क आता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी टिप्स आपको मिलती रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरेटिकल तो मैं करता नहीं, प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, इसी प्रकार हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी।